तो हेलो दोस्तों, दिनेश विजन के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की थर्ड मूवी भेड़िया थिएटर में रिलीज हो चुकी है। इस मूवी में हमें लीड रोल में देखने को मिलते हैं वरुण धवन, साथी कृति सेनन, अभिषेक बैनर्जी और दीपक डोबरियाल। अब सबसे पहले बात करें कि ये मूवी कैसी है और क्या आप अपना कीमती टाइम इस मूवी को दे सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, मूवी का कॉन्सेप्ट अच्छा है। इस भेड़िया के टॉपिक पे आपने आज से पहले शायद ही बॉलीवुड में कोई बड़ी मूवी देखी होगी, लेकिन हाँ, हॉलीवुड में इस टॉपिक पे बहुत सारी मूवीज बन चुकी है। अगर इसकी स्टोरी की बात करें तो इस मूवी में हमें देखने को मिलता है कि एक ट्रैक्टर है, यानी कि हमारे वरुण धवन दिल्ली से अरुणाचल प्रदेश आते हैं एक रोड के काम के लिए, और वहाँ पे जंगल में उन्हें एक मायावी भेड़िया काट लेता है। उस भेड़िया की काटने की वजह से भास्कर में कुछ अजीबोगरीब पावर्स आ जाती है। अब आगे क्या होता है वो जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी, जिसकी लेंथ अराउंड 2 hours 30 minutes है। अब बात करें कि ये मूवी कैसी है, तो मूवी की स्टोरी अच्छी है, साथ ही जो डायरेक्शन है वो भी काफी हद तक अच्छा है। और आजकल बॉलीवुड का हॉट टॉपिक यानी कि VFX, तो मूवी में VFX भी हमें अच्छा देखने को मिलते हैं। स्पेशली जो भेड़िया के VFX थे वो तो बहुत ही अच्छे थे। मूवी के मेकर्स ने बहुत ही स्मार्टली VFX पे काम किया है, यानी कि जहाँ पे जरूरत थी वहीं पे VFX का यूज किया गया है, यानी कि कम बजट में भी अच्छा काम किया गया है। अननेसेसरी कहीं पे भी आपको VFX नहीं देखने को मिलेगा। साथ ही जो मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक था वो भी अच्छा था। अगर बात करें एक्टिंग की, तो वरुण धवन की एक्टिंग काफी अच्छी है। स्पेशली भेड़िया में ट्रांसफर होने के बाद उनकी एक्टिंग मुझे पसंद आई। लेकिन इस मूवी में मुझे सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया तो वो थे अभिषेक बैनर्जी। कॉमेडी सीन में तो वो अरुण धवन को भी पीछे छोड़ देंगे, और उनकी कॉमिक टाइमिंग के बारे में क्या ही कहूँ, लिटरली उन्होंने इस मूवी में फाड़ दिया है। इसके अलावा कृति सेनन और दीपक डोबरियाल का काम मूवी में ठीक ठाक है। ये मूवी एक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का पार्ट है, लेकिन इस मूवी को हॉरर मूवी कहना पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, क्योंकि मूवी में हॉरर तो ना के बराबर था, लेकिन भाई साहब जो कॉमेडी थी वो मुझे लिटरली बहुत पसंद आई। स्पेशली जो ह्यूमर का यूज किया गया है वो बहुत ही अच्छा था। इस मूवी में आप ऐसे जोर जोर से या पेट पकड़ के नहीं हंसोगे, लेकिन पूरी मूवी में आपके फेस पे एक स्माइल जरूर रहेगी। साथ ही जो स्त्री मूवी के छोटे छोटे रेफरेंसेस दिए गए हैं वो भी मुझे पसंद आए। मूवी का इंटरेस्टिंग पॉइंट था जो मूवी में नॉर्थ इंडिया के कल्चर और उनके बिलीव के बारे में बात की गई है, वो भी मुझे काफी हद तक पसंद आया। मूवी में उसे अच्छे से यूज भी किया गया है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मूवी में हर चीज अच्छी थी। मूवी के कुछ नेगेटिव पॉइंट है जिसके बारे में बात करना भी बहुत जरूरी है। मूवी का पहला नेगेटिव पॉइंट था तो वो था इसका फर्स्ट हाफ। जी हाँ, फर्स्ट हाफ में स्टोरी बिल्डअप के लिए कुछ ज्यादा ही टाइम ले लेती है ये मूवी, और जो ओवरऑल लेंथ है मूवी की वो भी आपको थोड़ी ज्यादा ही महसूस होगी। इससे अच्छा जो मूवी में सॉन्ग डाले गए हैं, जिसकी शायद मूवी में कुछ भी जरूरत नहीं थी, अगर उसे कट करके और थोड़े अननेसेसरी शॉट को एडिट करके मूवी को थोड़ा शॉर्ट कर देते तो और भी अच्छा हो सकता था। इसके अलावा मूवी का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो तो अच्छा है, लेकिन जो सॉन्ग डाले गए हैं वो मुझे उतने इम्प्रेसिव नहीं लगे। स्पेशली जो मूवी में सॉन्ग की प्लेसमेंट थी वो मुझे ज्यादा पसंद नहीं आई। तो ओवरऑल बात करें कि क्या आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं, तो आप इस मूवी को एक बार थिएटर में एंजॉय जरूर कर सकते हो। बस इस बात का ध्यान रखना कि इस मूवी से आप ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। मूवी अच्छी है, लेकिन फिर भी मैं इस यूनिवर्स में स्त्री मूवी को ही टॉप पे रखूंगा। और हाँ, अगर आपने वीडियो अभी तक देखा है तो आपके लिए एक बोनस पॉइंट भी है, और वो ये है कि मार्वल और डीसी की तरह इस मूवी में भी एक पोस्ट क्रेडिट सीन है, तो मूवी एंड होने के बाद उठ के चले मत जाना, वो पोस्ट क्रेडिट सीन बहुत ही अच्छा है। अब देखते हैं कि इस हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में हमें आगे क्या देखने को मिलता है। अगर आपने ये मूवी देखी तो आपको कैसी लगी वो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो इन्हीं सभी बातों के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हुए, अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।